दोस्तों ये है बजाज कंपनी का री एक्स वाइड ऑटो रिक्शा, जो कि आप अपने अगर बिजनेस के तौर को बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी किफ़ायती है। लो मेंटेनेंस माना जाता है, कंपनी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स के अंदर ऐड कर चुकी है। उसके अलावा इसमें जो वेरिएंट आते हैं, अलग अलग वेरिएंट आते हैं, सीएनजी वाला ले सकते हैं, उसके अलावा डीजल वाला वेरिएंट भी अगर आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ एलपीजी वाला अगर वेरिएंट आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी कंपनी ऑफर करती है। इसका जो मुख्य कॉम्पिटिशन है वो महिंद्रा अल्फा से है, उससे ये कैसे अलग है उसके बारे में बात करेंगे। जो कीमत की रहेगी उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी जो है पैसेंजर कार आप देख सकते हैं, इसमें टोटल कैपेसिटी है वो 3 पैसेंजर की देखने को मिल जाती है। टोटल 5 वाले पैसेंजर की कैपेसिटी वाला अगर लेना चाहते हैं तो वो भी कंपनी इसमें ऑफर करती है। तो वो इससे कैसे अलग है और इसमें क्या क्या स्पेस देखने को मिल जाता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट लुक है फुली एरोडायनामिक शेप के साथ में डिजाइन किया गया है, जो कि हवा को चीरते हुए जाएगा। इसमें फ्यूल जो है काफ़ी इसमें वजह आपको देखने को मिल जाती है। सामने की तरफ इसमें आपको बजाज कंपनी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, मैक्सिमा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और जो हेडलाइट है वो राउंड शेप में आपको देखने को मिल जाती है, जो कि हैलोजन बल्ब के साथ में दी हुई है। ऊपर की तरफ से बात करें तो यहाँ पे इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सेम हैलोजन बल्ब के साथ में दिया गया है। विंडशील्ड की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा कर्व इसमें आपको विंडशील्ड के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ा देता है। साइड के कॉर्नर आप आसानी से इसमें देख पाएंगे, और जो वाइपर है विंडशील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन किया गया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं है, बिल्कुल विंडशील्ड के हिसाब से यहाँ पे डिजाइन इसमें किया गया है। जो मडगार्ड दिया गया है वो मेटल क्वालिटी में दिया गया है, यानी स्टील के साथ में दिया गया है। फाइबर वाले में जो लंबे समय तक टूटने की शिकायत बनी रहती थी इसमें आपको नहीं देखने को मिलती है, स्टील होने से काफ़ी मजबूती इसमें आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको सिंगल एब्जॉर्ब सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। उसके अलावा टायर साइज़ की बात करें तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं 4.50/10 साइज़ का टायर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। टोटल व्हील आप देख सकते हैं कुछ प्रकार का इसमें देखने को मिल जाएगा, कलर व्हील का इसमें सिल्वर कलर का दिया गया है। साइड से बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का है, लंबाई काफ़ी अच्छी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। ये जो अभी वेरिएंट आप देख पा रहे हैं ये सीएनजी प्लस पेट्रोल वेरिएंट है, बायोफ्यूल के साथ में आता है, यानी जो फ्यूल है डबल फ्यूल इसमें आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोल का भी इसमें जो फ्यूल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा जो सीएनजी है वो भी इसमें आप आसानी से चला पाएंगे। उसके बाद इसमें केबिन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड में जो केबिन है कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। मीटर कंसोल कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एनालॉग मीटर इसमें आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप स्पीड चेक कर सकते हैं। टोटल स्पीड की बात करें तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी स्पीड का आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कंपनी यहाँ पे 80 की देती है तो जो नॉर्मल स्पीड रहती है वो 40 की रहती है। उसके बाद इसके मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल मीटर कंसोल इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एनालॉग मीटर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, बीच में किसी प्रकार की एमआईडी स्क्रीन नहीं दी हुई है। बैटरी का संकेत इसमें आपको देखने को मिलेगा, उसके अलावा इंजन का यहाँ पे आपको संकेत देखने को मिल जाता है, न्यूट्रल का संकेत आपको देखने को मिल जाएगा, बजाज की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा 12 वोल्ट का इसमें आपको डीसी चार्जर आपको देखने को मिल जाता है, जो अडेप्टर है आपको बाहर से मार्केट से लगाना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं इसका जो हैंडल है इसको टर्न करने के लिए कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको यहाँ पे हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है, लाइट से जुड़े कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, इंडिकेटर से जुड़े कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, जो इग्निशन पॉइंट है वो नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपको इसमें सीएनजी चलानी है प्लस पेट्रोल में चलानी है तो यहाँ पे आपको अलग से बटन इसका देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप फ्यूल आसानी से चेंज कर पाएंगे। और जो ब्रेक है इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक का यहाँ पे कंपनी ने ऑफर किया है। उसका जो पैडल आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ पैडल इसमें आपको देखने को मिल जाता है। पार्किंग ब्रेक का लीवर यहाँ पे सिंपल इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो रिवर्स गियर का लीवर है आपको साइड में आपको देखने को मिल जाता है। विजिबिलिटी की बात करें तो कुछ इस प्रकार की विजिबिलिटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी कर्व होने से चारों तरफ का जो नज़ारा है आप आसानी से इसमें देख पाएंगे, जो रोड का कॉर्नर है आप आसानी से इसमें देख पाएंगे। उसके अलावा इसे केबिन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट टॉप दिया गया है, हार्ड टॉप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो कलर कॉम्बिनेशन है इसमें आप देख सकते हैं ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो वो भी कंपनी इसमें अवेलेबल करवाती है, वो भी इसमें आप ले सकते हैं। उसके बाद रियर टायर साइज की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं सेम ही टायर साइज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो चौड़ाई जो है थोड़ी कम दी गई है, इसे बैलेंस जो है इसमें बना रहे। उसके अलावा यहाँ पे पीछे की तरफ से बात करें तो बजाज मैक्सिमा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी, एक्स वाइड वेरिएंट है तो ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, तो सीएनजी की भी आपको ब्रांडिंग इसमें देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ इसमें आपको स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जहाँ पे पैसेंजर का जो
लगेज वगैरह है इसमें आसानी से आप जो रख सकते हैं, कुछ प्रकार का स्पेस में आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ जो इंजन है अगर आपको मेंटेनेंस का कार्य करना है तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ इसको यहाँ पे जो नट बोल्ट है सो खोल के ऊपर की तरफ से इंजन का जो मेंटेनेंस का कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे से आप देखोगे तो यहाँ पे जो इंजन असेंबली है कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन करी गई है। सामने की तरफ इसमें आपको यहाँ पे पीछे की तरफ जाली भी दी गई है जिसमें इंजन को किसी प्रकार की ज़्यादा जो है टकराव वगैरह ना हो। उसके बाद इसमें जो टेल लैंप है वो हैलोजन बल्ब के साथ में दिए गए हैं। हैलोजन बल्ब के साथ में इसमें जो इंडिकेटर है वो भी आपको हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद साइड प्रोफाइल से आप देख सकते हैं किस प्रकार का इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं जो पेट्रोल का टैंक है इसमें आपको साइड में देखने को मिल जाता है जो कि 2.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें अगर इंजन की बात करें तो इसमें आपको CNG प्लस पेट्रोल वाला वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। 236.2 सीसी का इंजन इसमें कंपनी प्रोवाइड करवाती है। टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको 16.2 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसमें कंपनी जो है 3 वेरिएंट प्रोवाइड करवाती है, यानी 3 अलग अलग जो फ्यूल इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएंट इसमें आपको कंपनी प्रोवाइड करवाती है। CNG प्लस पेट्रोल प्लस LPG भी इसमें आप ले सकते हैं। डीजल वाला वेरिएंट है वो भी इसमें आप ले सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा हैवी लोड कार्य करना है तो डीजल इसमें आप ले सकते हैं। उसके अलावा 18% की ग्रेडेबिलिटी के साथ में ये ऑटो आता है जो कि चढ़ाई पे इसको काफ़ी आसानी से आप चढ़ा सकते हैं पैसेंजर के साथ में। उसके अलावा पैसेंजर साइड से हम पीछे की तरफ से बात करें यानी जो सेकंड रो है उसकी बात करें, उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सेफ्टी के लिए इसमें आपको डोर भी देखने को मिल जाता है जो कि मेटल बॉडी के साथ में दिया गया है। उसके बाद इसमें जो लेग रूम है पैसेंजर के लिए काफ़ी बेहतरीन इसमें आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बैक रेस्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी ट्रक लाइन के साथ में देखने को मिल जाता है। सीट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड टॉप की सीट इसमें कंपनी प्रोवाइड करवाती है। आगे की तरफ से केबिन की बात करें तो कुछ प्रकार का काफ़ी स्पेसियस केबिन इसमें आपको देखने को मिल जाता है जिसमें पैसेंजर को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। दोनों ही साइड इसमें आपको मेटल बॉडी के साथ में गेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि लॉक के साथ में दिए गए हैं। इसको ऊपर करके आप इसको खोल सकते हैं। अगर लॉक आपको करना है तो इस प्रकार से इसको लॉक करके आप आसानी से इसको बंद कर पाएंगे। सबसे पहले इसके व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको 2025 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ओवरऑल जो विड्थ है इसकी 1490 mm की देखने को मिल जाएगी। जो लंबाई है वो 3073 mm की देखने को मिल जाती है। जो ओवरऑल हाइट है वो 1855 mm की दी गई है। उसके अलावा मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस में आप देख सकते हैं 170 mm का देखने को मिल जाता है। टोटल वेट की बात करें तो इसमें जो CNG वाला वेरिएंट आप देख पा रहे हैं इसमें 955 किलो का टोटल वेट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग जो कर्व वेट होता है अलग अलग आता है। डीजल में भी आपको अलग वेट देखने को मिलेगा। जो LPG वाला वेट है उसमें आपको अलग देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो CNG वाला टैंक है इसमें आपको देख सकते हैं 6 किलो की कैपेसिटी के साथ में दिया गया है। 5 किलो तक इसमें आप जो CNG है भरवा सकते हैं। माइलेज की बात करें तो इसकी जो मैक्स माइलेज है वो 1 किलो CNG के अंदर इसमें जो मैक्सिमम माइलेज है इसकी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की देखने को मिल जाती है। उसके बाद कीमत की बात करें तो अगर हरियाणा के रोहतक जिले में इसको आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे गुरु नानक ऑटो डील्स के नाम पे डीलरशिप आपको देखने को मिल जाती है। इनसे कॉन्टैक्ट करके आप जो है इसको खरीद सकते हैं। यहाँ पे कीमत की बात करें तो मैक्सिमम जो कीमत है इसकी 3,20,000 से 3,25,000 के ऑन रोड प्राइस पे इसको आप आसानी से खरीद पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी खरीदना है तो कंपनी इसमें अवेलेबल करवाती है। हाल ही में ही जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट जो लॉन्च हुआ है अगर वो वेरिएंट आपको देखना है उसकी वीडियो देखनी है तो ट्रक जंक्शन के यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें। उसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कीमत के बारे में बताया और इस ऑटो रिक्शा की पूरी डिटेल वीडियो आपको बताइए क्या क्या फीचर कंपनी ऑफर करती है। इसमें कंपनी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 वेरिएंट जो है ऑफर करती है। डीजल वाला वेरिएंट आप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा CNG प्लस पेट्रोल जैसा कि आपने देखा ये CNG प्लस पेट्रोल में वेरिएंट हमारे साथ में खड़ा हुआ है। LPG वाला अगर वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखनी है तो ट्रक जंक्शन के यूट्यूब चैनल को आप जरूर फॉलो करें। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।